सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जस्टिस मुनीब की आर्टिकल 63A केस से माजरत। रजिस्ट्रार के नाम आम खत, चीफ जस्टिस ने खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला भी आ गया है। इलेक्शन कमीशन की अपील भी मंजूर हो चुकी है। ट्रिब्यूनल्स बनाने में इलेक्शन कमीशन का किरदार बरकरार रखा गया है। दूसरी तरफ तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत भी खारिज। बानी पीटीआई का पार्ट पर बुजदिली का इल्जाम, एक और एहतजाज की कॉल दे दी गई है, मगर संगजानी जलसे में तकरीर पर पीटीआई कयादत को बगावत के मुकदमे का सामना है। इस दौरान एक मुजव्वजी आईनी कोड बनाने की कोशिशें भी तेज तर होती जा रही हैं। मौलाना भी राजी हैं मगर कुछ तहफ्फुजात के साथ। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं शाजिया अता मरी साहिबा, पीपल्स पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी हैं, शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और हाफिज अहसान साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आई विल स्टार्ट विद यू शाजिया साहिबा, मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो अदालत के अंदर इस वक्त एक कश्मकश जारी है, जो सूरत हाल बनी हुई है, जो एक नई ये डेवलपमेंट है, इसमें जो मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो अपने आप को क्या डिटैच रख सकेगी, हमारी सियासत अपने आप को इस सारे प्रोसेस से अलहदा रख सकेगी जो कुछ इस वक्त हो रहा है अदालत के अंदर? व्हाट इज योर टेक ऑन? बहुत शुक्रिया आदिल, और काफी अरसे बाद आपके शो में भी आई हूँ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने अभी नया शो भी कुछ अरसे पहले स्टार्ट किया है। थैंक यू। सूरत हाल इंटरेस्टिंग है। देखिए, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव। पाकिस्तान जो है ना, जितना अरसा डेमोक्रेसी पाकिस्तान में रही है और जितना अरसा जो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में रही है, उससे जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहा है, हमारे लिए हमेशा वो एक मतलब ये कि सीखने से ताल्लुक रखती है सारी चीज। और इस वक्त भी मैं समझती हूँ कि गिवन पाकिस्तान हिस्ट्री, द चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ political instability or stability and the checkered history of how the judiciary has performed and how other institutions have performed, to mera khayal hai ki ye bhi ek evolution ka hi hissa hai jo ab ho raha hai. Aur duniya mein jahan jahan idare mazboot hue hain ya unhone ek independent shakal ikhtiyar ki hai ya ek behtar shakal ikhtiyar ki hai, to wo इसी तरह की चैलेंजेस से होकर गुजरे हैं। ये और बातें कि हम आज सामना कर रहे हैं, हो सकता है कई सालों बाद जो आज की स्ट्रगल्स हैं, आज के चैलेंजेस हैं, और आज की हम लोगों को जो एक 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 सिचुएशन में केओस नजर आ रही है, वो हम कुछ सालों बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम वो भी हमारी तारीख का हिस्सा होगी। इस वक्त देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग भी, मैं तो इसको इंटरेस्टिंग भी कहूंगी क्योंकि बहुत सारा जो है ना वो एक नई सिचुएशन भी है। वो कि हमारी डिमांड तो पुरानी है और हम आज भी कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी जल्दी इंसाफ मिले तो हमें आईनी अदालत बनानी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 184 के तहत काम करता देखें, जो अब तक वो उस तरह नहीं कर पाए हैं, या मैं अगर कहूं कि वो फेल हो रहे हैं 1973 से लेकर आज तक, और जरूरी है कि वो अपना वो किरदार अदा करे, तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी होगी। बहुत सारी आर्ग्यूमेंट दे सकती हूं, लेकिन आई वुड से कि अब अंदर जो जुडिशरी की भी चीजें हो रही हैं वो भी इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारी जो राय एक दूसरे से इख्तलाफ रखने वाली भी हमारे सामने आ रही है, तो इट्स एन ओपिनियन। ओपिनियन होना कोई बुरी बात नहीं है। मेरा ओपिनियन एक चीज में आज एक है, आपका कुछ और है, लेकिन साथ बैठ के बात करके एक दूसरे को कायल हम कर सकते हैं। इतनी स्पेस और इतना रूम हमें मिलना चाहिए। सो आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कयाम पर हम
यकीन रखते हैं। 2006 में हम यकीन रखते थे जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने इस ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया, इस पर दोनों जमातों ने अग्री किया, दीगर जमातों ने इंडोर्स किया और आज भी हम इस चीज़ पर कायम हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो भी हमसे ढका छुपा नहीं है और ये खिलवाड़ करने वाले और लोग तो बहुत हैं, लेकिन जो लोग मैं कहूँगी जुडिशियल इदारे का हिस्सा है उन्होंने भी बहुत खिलवाड़ किया है। 45 बरस लग गए हमें शहीद प्राइम मिनिस्टर कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के केस के अंदर जो पेशरफ्त हुई उसको देखने में, उसको सुनने में। उनकी बेटी नहीं रही, उनके बेटे नहीं सुन सके, उनके आज उनके जो एयर्स हैं, उनके नवासे हैं वो मुतवातर जाते रहे और एज प्रेजिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 12-13 साल पहले एक रेफरेंस दिया कि जी हमें ये क्वेश्चंस ऑफ लॉ है, इसका जवाब दें, ज्यादती हुई है तो उसे बताएं ज्यादती हुई है। okay. आज भी हमें वो पूरा इंसाफ नहीं मिला, लेकिन जितना इंसाफ मिला हम शुक्रगुजार हैं इस अदालत के। गो के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये भी कहा है कि इसी अदालत ने कत्ल किया कायदे अवाम का, हमने इन्हीं के दरवाजे पे जाके इन्हीं से इंसाफ मांगा और हम आज भी उम्मीद करते हैं कि जिस ट्रायल को उन्होंने कालादम करार दिया है उसके उससे होने वाले नतीजे को भी कालादम करार दें, उसको भी काला फैसला okay. करार दें। पर ये सारी चीजें जो है ना, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी ये बहस वहां शिफ्ट होनी चाहिए। एपिलेट कोर्ट्स को लोगों को जो दीगर मामलात हैं, जो दीगर केसेस हैं उसमें इंसाफ देना चाहिए। सो बहस तो कोई बड़ी है नहीं, सिंपल चीजें हैं, उसको जितना सिंपल रखें अच्छा है, पर जो लोग नहीं चाहते वो फिर कॉम्प्लिकेट करते हैं। राइट शोएब शाहीन साहब, जो लोग नहीं चाहते वो फिर इसे कॉम्प्लिकेट करते हैं। शाजिया साहब कह रही हैं कि हमारी डिमांड है तवील अरसे से और हम विक्टम हैं जुडिशरी के गलत फैसलों के, हमने बड़ा सफ़र किया है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की डिमांड आर्टिकल 184(3) का रेफरेंस भी दिया जा रहा है और साथ में ये भी कि इसमें हर्ज क्या है अगर आउटस्टैंड इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं। अब आप लोगों ने आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने खुद को अलहदा कर लिया उससे, अब आप लोगों ने पूरी कमेटी को ही कंट्रोवर्शियल कर दिया, उस पर क्वेश्चंस कर दिए हैं और फुल कोर्ट की डिमांड कर दी है। किसी कानून के तहत फुल कोर्ट बन सकता है इस मामले के अंदर? ओरिजिनल फैसला 5 मेंबर बेंच का हो अगर तो देखें, पहली बात तो जरा मैं इन बातों का जवाब दे दूं, क्या मर्डर केस आईनी अदालत में जाएगा? जुल्फिकार अली भुट्टो का अगर जुडिशल मर्डर हुआ था या एक मर्डर केस नीचे से आकर के ऊपर आया था किस अदालत में जाना है? इवन इफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड, वो इसी कोर्ट में जाना है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और ये रिलीफ किसने दिया है? इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उससे आगे चलें, मौलाना फजल रहमान के इस मुतालबे से हम 100% एग्री करते हैं कि ये इललेजिटिमेट असेंबली है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मगर एक बात बताएं, वो पिछले 24 दिन पहले कह रहे थे कि ये असेंबली चाहे 45 की है या 47 की है, अब इसी ने फैसला करना है, इदारों ने फैसला नहीं करना। देखें, इदारों से तो हम कब कह रहे हैं कि इदारे फैसला करें, हम ये कह रहे हैं कि आज भी इसका ऑडिट होना बाकी है फॉर्म 45 का। आज जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया है वो नाइंसाफी की बदतरीन मिसाल कायम हुई है कि रिटायर्ड जजेस भी लगा दो हैंड पिक्ड अपनी मर्जी के, जो फ्रॉड में मुलव्वस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी मर्जी के जज लगा दें ताकि वो इस फ्रॉड को कन्फर्म करें और उस पर पर्दा डालें। मगर वो फैसला तो कानून के मुताबिक किया ना उन्होंने, इलेक्शन कमीशन की एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है उन्होंने एक आईनी हैसियत रखता है, उसको एस्टैब्लिश किया है कि ये एक आईनी इदारा है, इसकी अपनी आईनी इदारा अगर जुर्म में मुलव्वस होगा तो क्या एक मुजरिम को यह हक हासिल होगा कि वो अपनी मर्जी का जज लगा दे? हमारा किसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स है? सुने सुने, पार्लियामेंट ने कानून पास किया है ना इलेक्शन एक्ट के अंदर, गलत किया है ना? नहीं तो लेकिन उसी को हमने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन अभी तो कानून है ना भारत, कानून अंडर चैलेंज है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि कोई भी जज, इवन इफ रिटायर्ड जज हो, उसको तब लगाया जा सकता है जब तक कंसल्टेशन विद द कंसर्न चीफ जस्टिस ना हो। ये शेख राजुल हक की जजमेंट है, PLT 2013 सुप्रीम कोर्ट फाइल। इवन इफ रिटायर्ड जज को भी लगाना हो किसी भी जुडिशियल फंक्शन के ट्रिब्यूनल के लिए, वो कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट के बगैर नहीं लगा सकते। कंसल्टेशन में और डिसीजन में तो फर्क है ना, अब जब तक वो एक्ट है वो एक कानून है, उस कानून को आप जब चैलेंज करेंगे उसका जो नतीजा आएगा, नतीजा भी आएगा, उससे पहले आपका फैसला, लेकिन आप उससे पहले ये नहीं कह सकते ना कि इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इललेजिटिमेसी तो एस्टैब्लिश है ना कि आज इतनी बड़ी तादाद में जो लोग फॉर्म 45 वाले हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, जो कठपुतली है वो अंदर है ना भवन,
नंबर टू, मुझे दो और बातों का जवाब दे दें। आज नेशनल असम्बली के मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं आया, वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। नंबर थ्री, जो सेनेट के इलेक्शन हैं केपी के, उसका अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। तीन इन रीजंस की बुनियाद पर इस असेंबली कैसे लेजिटिमेटली आईनी तरमीम कर सकती है? लेकिन अभी जो आपके एलिगेशंस हैं वो सब्जेक्टिव है ना, इट इज येट टू बी प्रूव्ड। जब ये प्रूव हो जाएगी, ये चीज एस्टैब्लिश हो जाएगी, उसके बाद आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा कि देखिए हम तो ये कह रहे थे और ये हो गया। चले सुन लें हमारा, अच्छा जी हमारे एलिगेशंस अभी अनसब्सटेंशिएटेड है क्योंकि जुडिशियल कमीशन काजी साहब ऊपर बैठे हुए हैं, वो बना नहीं रहे, और इलेक्शन कमीशन केसेस को चलने नहीं दे रहा, ट्रिब्यूनल को नॉन फंक्शनल कर देता है या कभी ट्रांसफर करके या अपने हैंड पिक जजेस लगा के। अब मुझे बता दें ये दो बातें कि ना नेशनल असेंबली मुकम्मल है ना सेनेट मुकम्मल है, उसके बगैर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, जो मोहतरमा फरमा रही हैं कि जी आईनी अदालत का मुतालबा 2006 का था, भाई उस वक्त इसलिए था कि इस आइन के साथ खिलवाड़ परवेज मुशर्रफ और जनरल ज़िया ने किया था, वो 2010 में 18th अमेंडमेंट के ज़रिए उसको रेक्टिफाई किया गया तमाम पार्टीज़ की रजामंदी से। और कितने महीने लगे? 10 महीने बैठ के कमेटी ने आपस एक एक चीज़ के ऊपर शिकवार डिस्कस किया। आज आप रात की तारीकी में सुबह 10 बजे से लेकर रात 3 बजे तक एक एक घंटे के नोटिस पे आप तरमीम तब्दील कर रहे हैं टाइम। अच्छा, मुझे, और मुझे ये और वो काम करने लगे हैं कि जिसका कच्चा मुसवदा या पक्का मुसवदा जिसके पास सर्टिफाइड कापी आज भी नहीं है, और जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, आप गुमराही तो आप पैदा कर रहे हैं, और जिस तरह की गुमराही कौम को दे रहे हैं। आर्टिकल 8 के बारे में कमरान मुर्तजा की गवाही है कि बिलावल साहब कहते हैं कि जी मजबूरी है, हमें तरमीम करना पड़ेगा, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल करने पड़ेगा। आर्टिकल 199 में कोई बंदा नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके आपको उठा के ले जाए, मार दे, लाश बार फेंक दे, आप आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं। वैसे वैसे वो जो बात थी वो तो अब चली गई ना, अब तो कंसल्टेशन नहीं, अब तो कंसल्टेशन हो रही है ना, अब तो आईनी तरमीम पे। जी जी शादिया साहब, मैं अभी दो तीन बातें हो रही हैं, आता आता अभी आप बहुत तसल्ली से बात करेंगे। जी शादिया साहब, नहीं मैं एक्चुअली मैं हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, अपनी पूरी बात करने का उन्हें हक है। मैं सिर्फ चाह रही थी कि आप आगे अगर कोई सवाल करेंगे, इससे पहले मैं चंद चीजों की बात वजाहत कर दूं क्योंकि उन्होंने मेरी स्टेटमेंट का हवाला दिया। मैं पहले तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैंने जो बात कही थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की और आईनी अदालत जरूरी है, शहरियों को इंसाफ मिलेगा, मैंने इसके बाद ये भी हवाला दिया था कि जो जेरे अल्तवा लाखों केसेस हैं, ये असल काम है कि अदालत यहाँ रिलीफ दे। लेकिन जब अदालत 90% टाइम सिर्फ आईनी केसेस को देखने में, कानून साजी या कानून ये बने या अच्छा है बुरा है उस पर गुफ्तगू में टाइम गुजारती है, तो जो साइल वहां खड़ा है कई बरसों से, जिसमें से एक हमारी भी पार्टी इसमें शामिल है, 45 बरस लग गए हमें, तो ये इन्होंने कहा कि किसने देना था, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, इसी अदालत ने देना था, लेकिन अदालत मसरूफ थी दूसरे कामों में। और यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा इशू है कि हम नहीं चाहते हैं कि इस जुडिशरी ने कत्ल भी किया, इंसाफ देने में इतना टाइम लगाया, और जो दीगर लोग इसी जुडिशरी के आगे खड़े इंसाफ के जो तकाजा कर रहे हैं उनको भी इतने बरस लग जाए। मेरे पास पूरी फेरिस्त है, किसी को कोई 25 साल से मुंतजर है, किसी का केस अटका है, कोई 27 बरस हो गए, किसी को 13 बरस हो गए, किसी को 20 बरस हो गए, मेरे पास चंद एक केसेस होंगे, लाखों केसेस है, पूरा पलंदा है। आपको लोग बताएंगे कि वो कितने अरसे से मुंतजर है इंसाफ के। तो एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात आप टाइमिंग पे करते हैं, मैं अपने भाई से बिल्कुल इत्तफाक इस बात पे नहीं करती, हम किसी भी टाइम पर ये काम करेंगे ना आपको तकलीफ उठेगी। वो इसलिए नहीं उठेगी कि आपने कोई मुस्बत बात करनी है, वो इसलिए उठेगी कि आपने मुखालफत करनी है। तो मुखालफत आप आज करें या कल करें, दिन को करें, रात को करें, आपने मुखालफत करनी है। right. और आप बात करते हैं, एक सेकेंड जरा, 2006 में हमें पता है ना जी इसका बैकग्राउंड क्या था, शहीद मोहतरमा ने क्यों ये कहा था, शहीद मोहतरमा को अपने वालिद का इंसाफ लेने में कितने बरस गुजर गए थे लेकिन उतने उन्हें अपनी हयाती में नहीं मिला। तो आप थोड़ा सा हमारे बैकग्राउंड को हमसे बेहतर नहीं समझते, मैं आपके साथ डिसएग्री करती हूँ। मैं जरूर ये कहती हूँ कि डायलॉग होना चाहिए, मौलाना देखिए ना, वो एक होता है ना कि जी वो इसको लगा दी, उसकी उधर झगड़ा करा दिया, ये काम अगर पीटीआई करना छोड़ दे और वाकई सियासत करे और वाकई इस मुल्क में इंसाफ के निजाम को, जिसका वो नारा लगाती थी लेकिन आज वो चाहते हैं इंसाफ एक शख्स के लिए, हम चाहते हैं इंसाफ पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए,
और जब तक इन इदारों में बेहतरी, इन इदारों में इस तरह की बाइफोकेशन, इस तरह की क्लैरिटी नहीं आएगी, रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा. और मैं बार बार कहती हूँ कि आप छोड़ दें मौलाना, हम उसके हमारे साथ नहीं बैठते, हमारे लिए किसी ने क्या कहा, इसको मैं मुनासिब गुफ्तगू नहीं समझती. आप ये देखें कि मौलाना साहब ने भी कहा है कि इस मुल्क को आईनी अदालत की जरूरत है. जहां तक फंडामेंटल राइट्स की बात आई है, पीपल्स पार्टी हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी. पीपल्स पार्टी ने 1973 का आईन मुतफक्का तौर पर दिया था. यही सवाल मैंने आपसे करना था. दो सूरतें, एक तो मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी पिछले हफ्ते कुछ सहाफियों की मुलाकात हुई है और बड़ी वजाहत से उन्होंने कहा मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में हूँ, बट कुछ शराइत है जिन शराइत के साथ वो कहते हैं कि आना चाहिए. अब आपसे भी मेरा ये सवाल है, फिर मैं शुएब साहब के पास आना है कि ये जो फौजी अदालतें हैं और ह्यूमन राइट्स का मसला है, इस पे आपका ड्राफ्ट कहाँ खड़ा हुआ है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप इसका क्विक आंसर दें फिर मैं शुएब साहब की तरफ जाऊं. देखिए, हमने अपना जो बड़ा क्लियर मौकिफ दिया, ड्राफ्ट की बहुत बहस हो गई है. मेरा ख्याल ड्राफ्ट वो फाइनल होगा. आई एग्री के ड्राफ्ट कच्चे पक्के की बात नहीं है. देखिए, एक चीज है जिसके ऊपर आपने सबको मनवाना है, लेकिन जब सब बैठते हैं ना तो हर बंदा अपनी राय देता है कुछ किसी चीज में. आपके ऑनरेबल गेस्ट यहाँ बैठे हैं, उनकी राय होगी, अगर वो कायल कर जाए तो मैं उनकी राय पे अग्री करूंगी. किसी चीज पे मैं कहूंगी कि जी ये जरूरी है. अब अगर फंडामेंटल राइट्स पे आप पीपल्स पार्टी जैसी जमात के साथ बैठेंगे तो आपको कन्विंस करने की हमें जरूरत नहीं है. हम कभी भी फंडामेंटल राइट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. सिक्योरिटी की सिचुएशन अगर हमें बताई जाएगी कि बहुत गंभीर है, तो हमारा दूसरा इनसे सवाल ये होगा कि अगर सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी गंभीर है, इतनी परेशान कौन है, तो वो हमें बताई जाए, एफर्ट्स को बताया जाए, इन कैमरा सेशन बुलाया जाए. ये रिवायत रही है, हमने हमेशा प्रमोट किया इन चीजों को. लेकिन हरगिज पाकिस्तान की सिक्योरिटी कोई ऐसी बात नहीं कि हम उसके लिए हमें तशवीश नहीं है. तशवीश है, तभी तो हम आज भी कंडेम करते हैं 9 मई के वाकयात को, कि इतनी हमें सिक्योरिटी की थ्रेट्स हैं हर जगह. और आप 9 मई अपने ही मुल्क में करने जा रहे हैं. आपको तो चाहिए जितना अमन इस मुल्क में हो वो बेहतर है, जितनी स्टेबिलिटी इस मुल्क को दी जाए वो बेहतर है. केपी के हालात किसी से ढके छुपे नहीं है, इतने संगीन है कि मैं उसका जिक्र भी करती वैसे हूं. वैसे एक वैसे एक सवाल मौलाना साहब नहीं होगा, एक सवाल मौलाना साहब से ये भी हुआ था कि क्या 9 मई के लोग भी इसमें आ सकते हैं अगर मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला हुआ तो. उन्होंने कहा अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो जाहिर है उसके अंदर आ सकते हैं, 9 मई हो या कोई और. शुएब साहब मुझे ये बताइएगा, आप जाहिर है मुझे पता है आप उनका जवाब देना चाहते हैं, बट जो सलमान अकरम राजा साहब की भी मुलाकात हुई है मौलाना साहब से, उसके अंदर उन्होंने भी अपने कोई ड्राफ्ट की बात की है, तो आप लोग अपना भी ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं या नहीं, किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं हो रहा? देखिए, इस वक्त तक मौलाना साहब के साथ जो बात हुई है कि इस इलेजिटिमेट पार्लियामेंट से कोई हमने आइनी तरमीम की बात ही नहीं करनी. जब ये सवाल ही हमारे दरमियान मुत्तफिका तौर पर तय हो गया, फिर जब नई असम्बली आएगी उस वक्त सोचा जाएगा. इसलिए ये बात उनके साथ हमारा मुआहदा है कि नई असम्बली में होगी, नई असम्बली से कोई बात नहीं, इस असम्बली से कोई बात नहीं होगी. नंबर टू, मैं इनकी बात का जवाब दूँ. आप कह रही हैं कि जी रिफॉर्म्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, लाखों में केस पड़े हैं. ज़रा मैं फिगर्स दे दूँ, 22.5 लाख केसेज हैं लोअर जुडिशरी में, इनके पास टाइम नहीं है उसके लिए रिफॉर्म्स का. 13 लाख से ज़ायद केसेज हैं हाई कोर्ट्स में, उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है. सिर्फ 2%, 60,000 से कम, 54,000 के करीब केसेज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके लिए क्यों इमरजेंसी है? एक आइनी बहरान पैदा करना मकसद है, इस काजी फाइसा को एक्सटेंशन देना मकसद है. 68 ईयर्स तक एज बढ़ा के शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इस केस का चीफ जस्टिस अगले लगाएंगे और जजेस लगाएंगे अपनी मर्जी के हैंड पिक जजेस, ताकि इस करप्ट सिस्टम को प्रोटेक्शन दी जा सके. यानी 2% के लिए तो आपको ज़रूरत है, लेकिन आपको 85% या आपको अगले 13% यानी 98% के लिए आपके पास टाइम नहीं है कि उसके लिए आप इस्लाहात कायम कर सकें. उसके लिए जो इस वक्त मुसव्वदा है, आपने 199 यानी किसी को भी उठाएं, आप गायब करें, कुछ करें, नेशनल सिक्योरिटी का नाम दे दें, आप चेंज कर लें. आप 2006 की बात करते हैं, आपने जब 18th अमेंडमेंट किया उसमें सारी खराबियां परवेज़ मुशर्रफ की तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ ने मिल के, परवेज़ मुशर्रफ और ज़िया उल हक़ की, आपने माइनस कर दी, ख़त्म कर दी. तो फिर क्या वजह थी कि आपने आईनी अदालत नहीं बनाई? वजह क्या थी? एक मिनट जी, मैं मुझे बात मुकम्मल करने दें मैम. वजह ये थी कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपने पीसीओ जजेस भर दिए थे उस वक्त तक. आपके पास ऑप्शन नहीं था सिवाय इस बात के कि आप आईनी अदालत बनाएं, और उसके बाद आपने खुद फैसला किया कि आईनी अदालत नहीं बनाई जाएगी. क्यों? इसलिए कि एक सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, दो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकती.
हमने 76 साल लगा के एक सुप्रीम कोर्ट को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाने में कामयाब हुए। सज्जाद अली शाह को इन्होंने चीफ जस्टिस बनाया था चौथे नंबर से उठा करके। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लेके तमाम जजेस ने बैठ के उनको वापस भेजा और सीनियर मोस्ट जज मियां अजमल को चीफ जस्टिस बनाया। इस ड्राफ्ट में 3 या 5 जजेस का पैनल आएगा और शराब और आसिफ अली जरदारी फैसला करेंगे किसको चीफ जस्टिस बनना है और किसको नहीं बनना। दिस इज डायरेक्ट अटैक ऑन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। बात आखिरी बात, जज जो हाई कोर्ट का आपसे डिसएग्री करेगा या जिससे आप नाराज होंगे उसको उठा करके उसकी मर्जी के बगैर दूसरी हाईकोर्ट में भेज देंगे, वहां उसको चीफ जस्टिस भी नहीं बनने देंगे। राइट। और इस तरह की वो चीजें। चलिए मुझे एक ब्रेक लेने दें। हाफिज एहसान साहब, तो कोशिश की जा रही है जो कि सरासर निजाम इंसाफ पे हमले के अलावा और कुछ भी नहीं है। ओके, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक शादिया साहब, आप ब्रेक से पहले कोई बात कर रही थी, कीजिएगा, फिर मैंने हाफिज एहसान साहब की तरफ। एक्चुअली पता है पीटीआई पे हैरान ये होती हूँ कि जिस तरह के अलकाब से ये नवाजते हैं, अब ये पार्लियामेंट को लकब दे रहे हैं। इससे पहले ये आज मौलाना साहब के साथ बैठे हैं, उनके हवाले से भी इनके जो लकब है वो किसी से छुपे ढके छुपे नहीं है। तो ये जिस तरीके से जो इनका नेचर या आई डोंट नो शायद इनके लीडर को पसंद है, जितनी बदतमीजी करो उतना ज्यादा वो खुश होते हैं। कुछ लोग नहीं कर सकते उतनी बदतमीजी, लेकिन कम से कम फिर भी अलकाब जो है ना वो उससे नवाजते हैं। और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी ये ट्रेनिंग नहीं है पॉलिटिकल, नहीं तो आरटीएस की जो असेंबली थी वो हमने भी भुगती है 2018 में। हमने उस वक्त भी कहा कि जी जो भी नतीजे है उसको एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि किस लेवल की धांधली की गई थी, हैंड पिक्ड पूरी जमात को उठाकर यकायक पावर दे दी गई थी। और फिर हमने ये भी सुना कि आर्मी चीफ कॉम का बाप होता है, हमें उस वक्त तो ये कहा जाता था। और जो जो बयानात उस वक्त के आते थे, मैं तो कहती हूँ कि आप लोग हुकूमत में थे तब भी आपको हुकूमत में बैठ के काम नहीं करना आया, क्योंकि आप जब हुकूमत में थे तब भी आप कहते थे हम इन पॉलिटिकल जमातों से बात नहीं करेंगे। मुल्क से बाहर जाते थे तो अपनी ही पॉलिटिकल लोगों को गालियां बकते थे। वहां जाके पाकिस्तान की इमेज खराब करने में पीटीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं अभी भी बात करूंगी तो आपका लिहाज करूंगी कि मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग अपनी फ्रेटर्निटी की इज्जत नहीं करूंगी, उन पे बगावत के मुकदमे भी बन रहे हैं। और वो एक वजह ये कि अब वो एहतजाज की भी तैयारी पकड़ रहे हैं। देखिए बगावत के मुकदमे मैं देखिए मैं भी प्रोटेस्ट पे यकीन रखती हूँ, मेरी जमात भी रखती है, लेकिन आईनी और कानूनी दायरों के अंदर रह के प्रोटेस्ट किया जाता है। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो मैं अपने हर लफ्ज को नाप तोल के बोलती हूँ। आपने ऐसे ही नाजायज कह दिया, नाजायज को मेरा ख्याल है कि मैं एक्चुअली आई डोंट वांट टू रिमाइंड दीज पीपल कौन नाजायज है कौन नहीं है। मैं अपना मुकदमा लड़ूंगी, मेरे पास अल्फाज है, मुझे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार उस असेंबली को नाजायज कहेंगे जिसका हिस्सा मैं भी हूँ, मैं भी इलेक्शन लड़के आई हूँ और मैं बड़ी ठोक बजा के एक मर्द के मुआशरे में और स्टेटस को चैलेंज करके आई हूँ। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन लड़ती हूँ वहाँ खेल नहीं है इलेक्शन लड़ना। तो आप खुदारा जब अपनी बात किया करें देखा करें। अगला right. बंदा भी बड़ी मुश्किल से जवाब जरूरी है। देखिए पहली बात यह है कि ये नाजायज इसलिए है कि जिन सीटों पे हमारा एहतजाज है, हमारा इख्तलाफ है, हमारे पास फॉर्म 45 है। आपने कहा 2018 का इलेक्शन रिग्ड था, मुझे बताएं आपके पास 16 महीने मिले। एक मिनट मैडम सुन ले ना, अब आपका जवाब सुन ले, सब आप जवाब सुनने की आदत डालें प्लीज, जवाब सुनने की आदत डाल लें। आप मेरा टाइम मुझे ठीक है, मुझे मेरा टाइम दिया है, मुझे बात करने दें प्लीज। नेचर का रोना रो रहे जिसका हिस्सा बनना, अब आप सुन लेना मेरी बात तो सुन ले। ओके, अब मैं मुझे हाफिज साहब ने मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, 30 सेकंड में बात खत्म हुई। चले सबसे अब ये खामोश हो जाओ, मेरी बात नहीं आएगी ना। कैसे पहुंच गए असेंबली में भाई आप, मतलब चले हाफिज साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी तरफ, मेरा टाइम फिर इनको 30 सेकंड नहीं। अगर आप
अब आप देखें ना, एक साइड को आप बंद नहीं करेंगे तो फिर मुस्तकिल आपने उन्हीं को टाइम देना है, तो फिर हम फिर देखें। सबसे पहली बात यह है कि इललेजिटिमेट हम इसलिए कह रहे हैं, मौलाना ने कहा है, हम भी कहते हैं इसलिए कि हमारे पास सैकड़ों की तादाद में वो लोग हैं जो हम जीते हुए लोग बाहर बैठे हुए हैं। आप आए ना जुडिशियल कमीशन बनने दे रहे हैं, ना आप लॉ में आप तब्दील कर रहे हैं। आपका यूसुफ आप फिर बीच में बोल रही है, यूसुफ जा गिलानी हारा हुआ है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस पेंडिंग है, उसने ऑर्डिनेंस निकाल दिया कि जनाब हैंड पेक्ड रिटायर्ड जज होगा, अगले दिन आप एक्ट ले आए। ये सारे फ्रॉड इलेक्शंस में मुलव्वस है। मैं पेट और सड़कों में घसीटूंगा। कितनी दफा उन्होंने सड़कों में घसीटा, अच्छा कितनी दफा एक दूसरे का पेट फाड़ा। अब ये बताएं जो जो आज अदालत में आरिफ अल्वी ने कहा मैं कराची की सड़कें बंद करा दूंगा, आपके लोगों ने कहा 9 मई के लिए बाहर निकलो। शादी साहब मैं जरा हाफिज साहब की तरफ मुझे जाना है, सर रिक्वेस्ट करूं। जियो का रिपोर्टर है, पीटीवी पंजाब पुलिस ने कहा आपको 9 मई में डालेंगे, हमले वाली आपको हमने एनकाउंटर में मार देंगे। ओके, उनका कंडक्ट है, साफियों के साथ हमें छोड़ दे। अच्छा आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट कर, मेरी जरा इस तरह के लोगों को इस तरह के अगर आप पैटर्नाइज करेंगे, कल आपने कल आपने दोनों से मेरी मासल शेख जो हमारा सिंध का प्रेसिडेंट है उसके घर पे क्यों छापे मारे, आप दोनों से मेरी गिरफ्तार किया। अगर आप जमहूरी हैं तो फिर अफसोस से कहना पड़ता है, इससे बड़ा गैर जमहूरी कौन होगा। जमहूरियत का ना जी आता है ना डेमोक्रेसी, जमहूरियत हमारे साथ 85% आवाम खड़ी है। हम कोई कठपुतली नहीं है, हमने वोट को इज्जत दो का नारा सीखा भी है, किया भी है, और आज भी हमारे साथ आवाम खड़ी हुई है। आपके पास कोई तरीका है? हम किसी की बोट पॉलिश करके नहीं इंतजार करना चाहते। अच्छा शेख साहब मेरे क्वेश्चन जो पीछे उनसे जाकर पूछे, अच्छा मुझे जरा पीछे आप लगे हुए हैं मेरी और आप यहाँ दौड़ लगी हुई है कि कौन जल्दी जा करके इस दौड़ में शरीक होता है और इस करप्ट सिस्टम के। अच्छा सर मेरी अब रिक्वेस्ट है शाजी साहब आपसे भी, शेख साहब आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मामले में आज अदालत में हुआ है, जरा हाफिज साहब मुझे बताएं आज जो एतराज उठा दिया गया अली जफर साहब को चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा कि जी फुल कोर्ट क्या कानूनी तौर पर बन सकता है ना, ये एक जो सारी की पूरी प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। अब ये जो कह रहे हैं हमें पता है ये क्यों बनाई जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ताकि वहां पर काजी फाइज ईसा साहब को लगाया जा सके। इनके जो कंसर्न्स हैं वो कंसर्न्स हैं, लेकिन उसको जेन्युइनली एड्रेस किस तरह किया जा सकता है कि ये मसला पॉलिटिकल डायलॉग से आगे बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आदिल, एक तो बात ये है कि एक पॉलिटिकल आपस के अंदर जो है वो कन्फ्रंटेशन होना एक अपनी जगह है और एक दूसरे का आपस के अंदर जवाब देना। अब लीगल इसकी बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो अप टू द मार्क लोगों को डिलीवर कर रहा है, क्या पाकिस्तान का निज़ाम जो है उसके अंदर पब्लिक ट्रस्ट जो है वो उसके अंदर मौजूद है, क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स या उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिलीवर कर रही हैं, क्या पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इन अदालतों के धक्के नहीं खा रहा और उसके ज़िंदगी के अंदर ना उसके फौजदारी के फैसले हो रहे हैं केसेस के, ना उसके सिविल के हो रहे हैं। अब ये है कि दुनिया भर के अंदर जो है मुख्तलिफ आइडियाज़ जो हैं वो रिफॉर्म्स के चलते हैं, उसके अंदर एक आइडिया ये आया है कि एक आपका रेगुलर प्रोसेस है जो आपका सिविल, क्रिमिनल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हैं, और दूसरे आपके ये है कि जिसके अंदर आपका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, उसके ऊपर अब दुनिया भर के अंदर जो है ये निज़ाम दोनों चलते हैं, ना उसकी इसके अंदर इंटरफेरेंस है ना इसकी उसके अंदर इंटरफेरेंस। अच्छा, एक ऑब्जेक्शन होता है कि कॉमन लॉ कंट्रीज में ये नहीं चल सकता पैरेलल कोर्ट वाला मामला, हाउ? नहीं देखें आदिल, एक तो ये है कि ये पैरेलल कोर्ट नहीं है, चीज़ ये है कि पाकिस्तान के आइन ने सर्टन पास जो थी वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को दी, उसके अंदर किसी जगह 184 में दे दी, किसी जगह आर्टिकल 185 के अंदर दे दी और किसी जगह आर्टिकल 199 के अंदर दे दी। अब ये है कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जिसमें पीटीआई भी शामिल है, उसके अंदर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, उन्होंने एक फैसला किया कि हमें पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं या जजेस की अपॉइंटमेंट से लेके उनके डिसीजन मेकिंग तक एक अलाइनमेंट है, उसको बेहतरी करने के लिए चूंकि इस सारी एक्सरसाइज से पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इसका सारा बर्डन हो रहा है और उसके फैसले नहीं आ रहे, हमें एक अदालत की तरफ जाने चाहिए।
अब आपका सवाल यह है कि अगर 2006 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सीओडी आया तो ये बात ना बढ़ सके। उसकी वाजे बात यह है कि जब 2006 आया तो इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट आई, तो जब ये मामला 2010 के अंदर 18वीं तरमीम के अंदर गया तो पार्लियामेंट ने पहले उस प्रोसेस को जो था वो ठीक करने की कोशिश की जो अपॉइंटमेंट का था, लेकिन चूंकि इफ्तिखार चौधरी साहब का टेन्योर इतना हॉकिश किस्म का था कि पब्लिक सपोर्ट थी, लॉयर्स मूवमेंट थी, उन्होंने तो उस 18वीं तरमीम को चलने न दिया और पार्लियामेंट को कहा कि आप 19वीं लेके आएंगे तो हम इसका फैसला करेंगे, नहीं तो हम इसके खिलाफ भी जा सकते हैं, और आज तक 18वीं तरमीम की डिटेल जजमेंट नहीं आई। उसके बाद जब 2013 के बाद फिर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो कन्फ्रंटेशन के अंदर चली गई, पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन, पीएमएलएन वर्सेस पीटीआई, पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी, वो एक सर्वाइवल की वॉर रही। अब ये है कि क्या इन 10 साल के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो ए पॉलिटिकल रही है? उसका जवाब है नहीं रही। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं, जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं, वो सब्जेक्ट टू द लॉ या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए, उसके अंदर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने एक्सीड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन किया है? बिल्कुल उसके अंदर किया है। क्या पाकिस्तान के अंदर जो बेंचेस की मैन्यूवरिंग है वो अकॉर्डिंग टू लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन हुई है? नहीं हुई है। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि दो, एक ये था और एक था नैब का। नैब के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती थी इसको बदलें और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। पीटीआई ने उसको हिट करने की कोशिश की और आपके सामने दो ऑर्डिनेंस आए उस चीज के अंदर, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर से जब वापस आए पीडीएम वही ऑर्डिनेंस किए और पीटीआई उन्हीं ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके चली गई। वो डीटो कॉपी है। नहीं नहीं श्वेत सर, एक सेकंड सुन लें। उसके अंदर जो है कि मेजर जो अमेंडमेंट्स थी वो पीटीआई की थी, उसको पीडीएम ने जब किया हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है और पता नहीं क्या क्या है। ये एक आदल तय कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान का जो निजाम इंसाफ या सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अंदर मेजर सर्जरी की जरूरत है फ्रॉम टॉप टू द लोअर। अब कहीं ना कहीं से तो आपने स्टार्ट करना है। अगर आप अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी आप हर चीज को मर्जी का जज बनाएंगे और उनसे इंसाफ कराएंगे। दुनिया भर के अंदर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के तीन प्रोसेस है, या प्योरली जो है वो आपकी जुडिशरी करती है या आपकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलके करती है, यानी कि पार्लियामेंट है। दुनिया भर की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है वो सारी करेगा, वो बेहतरीन जज सुन तो लेंगे। मुझे एक मिनट शादी साहब, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्या दुनिया भर की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जो अपॉइंटमेंट्स है वो पार्लियामेंट नहीं करती? अच्छा ठीक है, अगर वो अगर पीटीआई पार के अंदर होती तो कौन अपॉइंटमेंट करता? कौन करता? यही पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव यही है, पार्लियामेंट नहीं है। चले मुझे शादिया साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना। जी शादिया साहब, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक पीटीआई का नुमाइंदा यहाँ मौजूद है, लेकिन आप इनकी जहनियत का अंदाजा लगा ले कि इनको कोई भी बैलेंस्ड, कोई भी यू नो एक अच्छी डिसेंट गुफ्तगू जो है ना पसंद नहीं है, जो मेरिट पर होती है। ये अपना वही बात करेंगे, वही नेगेटिविटी फैलाएंगे। डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, ये डायलॉग हमसे नहीं, ये जिस इदारे से करना चाहते हैं उस इदारे को हम नहीं चाहते कि हम इन मामलात में लाएं। वो खुद भी कठपुतलियों से नहीं करना चाहते ना, जो कठपुतली है, देखिए जो किसी के एजेंट बने हुए हैं जो है ना वो जेल में बैठा है,
वो सिलेक्टेड जेल में बैठा है। अल्लाह का शुक्र है कि सबसे ज्यादा बाइज्जत, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर लीडर आज वो जेल में बैठा है। कुरान में जिन अल्फाज है ना, वो तुमको मंतशा, वो तुमको मंतशा, आज सबसे ज्यादा बाइज्जत वो है जो जेल में बैठा हुआ है। मुकम्मल करने दे आपकी तरफ आता क्यों है, क्योंकि जरदारी साहब ने कभी आपके लिए कोई बुरा नहीं किया। हाँ, उनको आप लोगों ने मिलकर 11-12 बरस जेल में हमने नहीं किया, जिन्होंने डाला उनकी आप आज उनके साथ बैठे हुए हैं, या जौलत ने डाला या मुस्लिम लीगों ने डाला, हमने नहीं डाला। आज आप उनके सुपरिटेंडेंट बने हुए हैं, उनके थैले उठाते हैं, आप करते हैं, हम करते हैं। ये आपके लीडर ने कहा था मेरे भाई, आपके लीडर ने कहा था अज़ियत देना, ज़िल्लत देना, ये सब अल्लाह के हाथ में, कानून के मुताबिक ये मामला आप नहीं ले सकते। तो खुदा का खौफ करें, इस वक्त एक गुफ्तगू अच्छी हो रही है, तो हम भी उसमें तो अपना हिस्सा डालें, तनकीद सहने की आदत डालें ना, बगैर आपके पास ड्राफ्ट है, पहले तो मैं आदिल आपको, हाँ तो ड्राफ्ट जो आपने दिया है कामरान मुर्तजा को, कामरान मुर्तजा की गवाही लेने की जी मजबूरी है, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल करने पड़ेंगे, कामरान मुर्तजा की गवाही ले लें। मैं तो नहीं था ना उस वक्त, चले हमारा सीनियर मोस्ट वकील था, वो जेयूआई का लीडर है, मेरा नहीं है। एक सिविल गुफ्तगू हो रही है, उसको होने दीजिए। शादिया साहब, मैं इस बात पे नहीं आना चाहती कि इमरान खान का क्या मेरिट है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या दिमाग है, वो एक नार्सिसिस्ट आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो पाकिस्तान का सबसे मोस्ट आप दोनों का पॉइंट आ गया, हाफिज साहब की अदालत है, हाफिज साहब जी ओनली ऑनेस्ट लीडर, आज उसके पीछे 85% आवाम खड़ी हुई है। देखिए ये है उसका क्रेडिट, ये उसका मेरिट। जी अगले एक मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि पॉलिटिकल डाइकोटमी से निकल आए। जब पार के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होती हैं, जब पार से निकलते हैं बाहर होती हैं। इस वक्त इशू ये है कि क्या पाकिस्तान की जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, ये इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इश्यूज को एड्रेस कर सकती है? आप ये देखें कि पिछले 5 आपके चीफ जस्टिस आए, कोई एक हमने ऑनरेबल जाने दिया है? हमने अनवर ज़हीर जमाली साहब को नहीं जाने दिया, हमने साकिब निसार को नहीं जाने दिया, हमने गुलजार्स को नहीं जाने दिया, हमने उसके बाद खोसा को नहीं जाने दिया, हमने बंदयाल को नहीं जाने दिया, हमने इनको नहीं जाने दी। हम चाहते क्या हैं यार? अगर शेफ साहब एक सेकंड ठहर जाए, अब कोई तो यार पर्सनैलिटी छोड़ दें, कोई तो इंस्टीट्यूशन आप छोड़ दें, कोई तो रिफॉर्म्स की आप बात करें, हर वक्त एक ब्लेम गेम्स के अंदर है। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट एक हकीकत है या नहीं है? आपने उसी में चलना है ना, उससे बाहर तो नहीं आ सकते आप। आप उससे बाहर जब आप आएंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं है। अगर आपका इशू इलेक्शन कमीशन है या आपके दूसरे इश्यूज हैं, प्रॉपर फोरम आपका है, आप मुझे ये बताएं दुनिया के किस मुल्क के अंदर है कि आप कहें कि जी मैं इस चीफ जस्टिस को नहीं मानता, मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मैं नहीं मानता, मैं इस बेंच को मैं नहीं मानता, मैं इस जज को नहीं मानता। इससे हमें निकल आना, इसका हो रहा क्या? इसका हुआ ये आदिल कि अल्टीमेटली ना सिर्फ जुडिशियल सिस्टम डिस्क्रेडिट हुआ है, बल्कि पाकिस्तान का आम आदमी उससे सफर हुआ है। उसके इश्यूज पे बात ही नहीं की जा रही, उसके इंसाफ के ऊपर, उसकी महंगाई के ऊपर, उसके इंस्टीट्यूशन अगर को आया है, अगर एक प्रपोजल आया है, आप एक काम प्रपोजल आया है, उससे अच्छी चीजें लेके आए, कंस्ट्रक्टिव बहस लेके आप पार्लियामेंट में, खुदा रहा इस गेम से निकले, अपनी मर्जी पे जज बनाएंगे और वो इंसाफ करेंगे, उससे ट्रस्ट लेवल बेहतर हो जाएगा। इसमें ये निजाम इंसाफ आपका जो पहले हैंड पिक थे उनसे मुतमईन है, जो पिछले 12-14 साल के अंदर लगे हैं उनसे मुतमईन है आप? बिल्कुल, किसी एक को बताएं ना कि आपने ऑनरेबली जाने दिया हो, किसी एक चीफ जस्टिस को बताएं, किसी एक को बताएं जिसको ऑनरेबली जाने दिया हो। शेख शाहीन साहब, हाफिज एहसान साहब, इस करप्ट सिस्टम मरी साहब मौजूद है, हमें प्रोग्राम देखा नाजिर, आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।